इधर महंगाई से आवाम का भरकस निकल गया, उधर वजीरों मशीनों की तनख्वाहें बढ़ गईं। इक्तदार के ऐवानों से पंजाब के गली कूचों तक एक नहीं दो पाकिस्तान। वज़रा मशीर पार्लियामानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 2 करोड़ 21 लाख का होश रुबा इजाफा। एक वजीर की सालाना तनख्वाह अलाउंसेस 25 लाख से ज्यादा हो गई। वजीर मशीर साल में 1 करोड़ की फोन कॉल्स करेंगे, पेट्रोल और अमले के अखराजात अलग से मिलेंगे। पहले ही टैक्स रिलीफ दे रखा है, जीरो टैक्स नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स पर टैक्स छूट की गुजारिश मुस्तरद कर दी। पीआरए ने महकमा खजाना को टैक्स ना घाटाने से मुतालिक मुरासला भी भिजवा दिया है। पंजाब हुकूमत का ख्वाजा सराओं को 440 वोल्ट का झटका। ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस फंड में 75% का कट लगा दिया गया। रवां साल बजट में सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस, गुज़श्ता बरस 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। सीनियर रहनुमा ख्वाजा सरा सोसाइटी सालमा बट ने बजट में कट ख्वाजा सराओं के हकूक तलब करने के मुतरादिफ करार दे दिया। पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत का 15,000 सरकारी स्कूल्स में डेली वेजेस पर असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। फेज वन में 13,736 असातिज़ा की भर्ती के लिए 15 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। 13,49,00,000 रुपए का बजट मुख्तिस। प्राइवेट स्कूल के 720, एलिमेंट्री के लिए 800 और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 1200 रुपए दिहाड़ी मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहदे से रिटायर हो गए। जस्टिस मोहम्मद कासिम के रिटायरमेंट के हवाले से अलविदा तकरीब नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और दीगर जस्टिस ने अलविदा किया। उधर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकरीर तबादले, जीशान जावेद डीसी विजय खान तैनात, मोहम्मद हमजा साली को डीसी खुशाब लगा दिया गया। सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 12 जुलाई से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इम्तहान लेने की इजाजत होगी, बोर्ड इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सैकड़ों तलबा का मुस्तकिल दाव पर लग गया। अबासिया कैंप्स में बहावलपुर सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला कर लिया गया। एक हफ्ते में अबासिया कैंप्स खाली करने का हुक्म। लॉ फैकल्टी में 600 से ज्यादा तलबा और तालिबात जेर तालीम, हॉस्टल में 1500 से ज्यादा जहाज पसीर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है इटेरियरी हुक्म नहीं मिला। जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते, बहावलपुर में लॉ डिपार्टमेंट के तलबा हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहते हैं किसी सूरत अपना डिपार्टमेंट खाली नहीं करेंगे। दूसरी जानब लीगी रहनुमा सुमैरा कोमल की जानब से भी शदीद मुजम्मत। अबासिया कैंप्स को सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। यूनिवर्सिटी ज्यादा वक्त बंद रही, इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा सराफा एहतजाज। तर्जुमान इस्लामी यूनिवर्सिटी शहजाद अहमद खालिद का कहना है कि यूनिवर्सिटी 2 माह से खुली है। हुकूमती अहकाम के मुताबिक क्लासेस फिजिकल हो रही तो इम्तिहानात भी फिजिकल ही होंगे। लोधरा में मखदूम आली हायर सेकेंडरी स्कूल की कदरपुर मुंतकली, सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा। स्कूल के तलबा सराबा एहतजाज, रुकावटें खड़ी करके मुल्तान बहावलपुर रोड ब्लॉक कर दिया। कहते हैं 35 किलोमीटर दूर जाने से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वज़ीरे आला नोटिस लें। मेडिकल के नए इम्तिहान, नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान की रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज। तालिब इल्म आज रात 11:55 तक अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने आगाह कर दिया इम्तिहान का इनेकाद 10 में होगा। मेडिकल के तालिब इल्म मैनली इम्तिहान के खिलाफ सरापा एहतजाज, बेशतर ने अगस्त में होने वाले इम्तिहान को रद्द कर दिया।
मुल्तान के दो भाइयों की दरियातली गरीब बच्चों को मुफ्त आम देने का ऐलान। मुस्तहिक अफराद एक फोन कॉल पर 4 किलो आम मुफ्त हासिल कर सकते हैं। अब्दुल रहमान और मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना है कि कार गोचार चीज भी अदा न करने वाले अफराद के चार्जेस अशर में से दिए करेंगे। शोहदा के घर में तरजीही बुनियादों पर आम भेजते हैं। मियांवाली में साबिक एमपीए तमकीन खान, न्यासी जिला सदर मुंतहिब करीना मलिक, एडवोकेट जिले जॉइंट सेक्रेटरी और कल्सुम इकबाल सीनियर नायब सदर मुकर्रर। खवातीन विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उख्तदारान की नोटिफिकेशन जारी। नून लीग पंजाब के नायब सदर साबिक सूबाई वजीर अमानतुल्ला खान शादी खैर ने नोटिफिकेशन तकसीम किए।